मध्य प्रदेश में धर्म को बढ़ाने के लिए कई तरह के अभियान चलाया जा रहा, लेकिन भोपाल के तोपता नगर में एक नया अभियान हमें मुद्दत के बाद देखने को मिला, जो हमारे धर्म को ताकत के साथ साथ युवाओं में चेतना का संचार भी करेगा। बाबू बंजारा द्वारा भोपाल के मंदिरों में ध्वज लगाकर हिंदू धर्म को जगाने का जो प्रयास किया जा रहा, वास्तव में वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर साबित होगी। जिस प्रकार वो आज अपने साथियों के साथ में गाड़ी बाइक से डीजे साथ में तमाम मंदिरों पे ध्वजारोहण कर रहे हैं, ध्वज लहरा रहे, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर झंडा अभियान चलाया था, उसी प्रेरणा को लेकर बाबू भाई बंजारे ने अपने धर्म की चेतना के लिए हर मंदिर में ध्वजा फहराने की अपील की है। उनका कहना है कि मुझे अवसर मिला तो पूरे प्रदेश में हर मंदिर पर जा जाकर मैं इसी प्रकार ध्वजारोहण करूँगा, ताकि युवाओं में हमारे धर्म के प्रति चेतना जागृत हो सके। हेडलाइन 24 संतोष भोपाल। हमारे सूर्यमुखी हनुमान धाम मंदिर से प्रारंभ होकर के यहाँ आसपास के सभी 21 हनुमान जी के मंदिरों में ध्वजा चढ़ाई जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे धर्म का जागरण हो, कहीं किसी प्रकार से आज जो धर्म के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई अवगति आती जा रही है तो वो दूर हो और हमारे धर्म की प्रगति दोनों दिन होती रहे, इसी भावना से धर्म जागरण यात्रा। सर, कहाँ पे पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पे स्थित है? कौन से ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मंदिर है पूरा कोकता एक नंबर कान्हा सैया, कोकता चार नंबर सोसाइटी, वहाँ पे आश्रम, ये CAPT के पास में आश्रम है। इसके बाद में छावनी पठार, LN City कॉलेज, बजरंग नगर और अपना पटेल नगर होते हुए झिरिया खेड़ा में भी, इस प्रकार से सब मिला जगह मिला करके 21 मंदिर हमारे हैं, उन सब में ये ध्वजा यात्रा निकाली। सर, इसी प्रकार आयोजन हम और भी होते रहेंगे? जी जरूर, इसी प्रकार से आगे और आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के यहाँ से भी होंगे। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से होशंगाबाद, सलकनपुर और भी जहाँ पर मैहर की माता, यहाँ आसपास के जितने मंदिर हैं, सभी मंदिरों में भी भगवान की ऐसी कृपा रही तो सब जगह वहाँ ध्वजा लेकर के हम लोग ध्वजा चढ़ाएंगे। सर, जो पंचमुखी हनुमान मंदिर जो मंदिर का बता जी, हमारे सूर्यमुखी हनुमान धाम मंदिर, उसका निर्माण बड़ा भव्य तरीके से हमारे बाबू भाई करने जा रहे हैं, उसकी और अच्छे से निर्माण हो सके और यहाँ आसपास के सभी क्षेत्रों का मंदिर का वो सिरमौर बन सके, वहाँ से धर्म का काम बहुत अच्छे से हो सके, इसी कामना से ये ध्वजा यात्रा हम लोग करने जा रही है। नाम बाबूलाल बंजारा है। बंजारा जी, आज ध्वज यात्रा निकाल मंदिर ध्वजा लहरा रहे, क्या उद्देश्य, इसका क्या संदेश देना चाहते? इसका उद्देश्य ये है साहब, हमारा हनुमान भगवान का जो है संपूर्ण पूर्ण से विशाल भव्य उनका मंदिर बना है, जिसकी लोगों की आस्था काफ़ी बढ़ गई है, बढ़ चढ़ के लोग बाहर से देश से विदेश से लोग आने लगे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। तो ये एक संकल्प था मेरा कि जब यहाँ ऐसी मनोकामना लोगों की सिद्ध होगी तो मैं यहाँ के जितने आसपास के खेड़े मंदिर जहाँ भी पड़ेंगे मैं सब जगह ध्वजा नारियल चाना प्रसाद जो बनेगा। सर, इस यात्रा के उद्देश्य का युवाओं में देशभक्ति और धर्म के प्रति जागरूक करना, युवाओं में जागृति पहुंचेगी और हमारे युवा जो है आगे चल के बढ़ चढ़ के भाग हिस्सा लेंगे, जो हमारे भगवान जो मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो अयोध्या में भव्य मंदिर हमारा अयोध्या धाम बना जा रहा है, उसकी हमें बड़ी प्रेरणा है और बड़ी खुशी है कि जब भगवान का दरबार ऐसा सजाया जा रहा है तो क्यों ना हमारी नगरी को सजाए। सर, मध्य प्रदेश में ये पहला ऐसा आयोजन देखने को मिल रहा है जो आप पद यात्रा के द्वारा झंडे मंदिर पर लगा रहे हैं। आजकल युवा पीढ़ी में बहुत सारी नास्तिकता पैदा होती जा रही है कि ये भगवान है नहीं, धर्म फालतू है, पंडितों का बनाया हुआ बखाड़ा है, युवा पीढ़ी आजकल नास्तिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसके तहत ये जो हमारी यात्रा है बहुत सफल होगी और बच्चों के अंदर एक जागृति आएगी, आत्मबल बढ़ेगा उनका भी। सर, नाम बता दीजिए। जय नारायण सिंह, गायत्री पूजा स्टोर्स।